नमस्कार नंदस मैम, डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से डीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों के लिए जो सीरीज चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, आज उसका टॉपिक लेकर आई हूँ आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी के कुछ रूल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यानी कि पार्ट 8 में एक्सप्लेन कर दे, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ वी राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, कि विदाउट आईयूपीएससी नेमिंग द कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज वेस्ट। हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोई वेस्ट है, किसी काम का नहीं है हमारा, जब तक हम उसकी आईपीसी नहीं सीखेंगे। आईपीसी सीखने के लिए मैंने कुछ रूल्स एक्सप्लेन करे थे कि हाउ वी राइट द आईपीसी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उन रूलों को हल्का सा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जैसा कहेंगे, इन कैसे कहेंगे द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट स्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड देन आफ्टर दैट वी कैन बी राइट द नेम ऑफ द एनायनिक एंड कैटायनिक कंपाउंड। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द आईपीसी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर लाइक दैट। सपोज द एग्जांपल एफ ई सी एन 6 and K4. अगर हमारा किसी फॉर्मूले का नाम है K4FeCl6, तो फर्स्ट वी राइट द आईपीसी नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आफ्टर दैट वी फोकस अबाउट द आउटर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर इनर आउटर स्फीयर फ्रंट एंड बैक दो, हम उसके बाद क्या देखेंगे, फोकस करेंगे फ्रंट के और बैक के, किसी में आयन पीछे से लिखे होते हैं उसके स्फीयर पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेमिंग द लिगेंड रिटन फर्स्ट देन द सेंटर मेटल आयन अलोंग विद द ऑक्सीडेशन नंबर इन द पेरेंटीज शुड बी रिटन। सबसे पहले आईपीसी नेम लिखेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, फिर उसका सेंटर मेटल का, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर को हम फोकस करा जाएगा और हमारा आईपीसी नेम पूरा हो जाएगा। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन टाइप का हो रहा है, कैसे लिखा जाता है मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टेप सेकेंड में हम क्या देखते हैं, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक द सफिक्स 8 इज एडेड टू द नेम ऑफ द मेटल अलोंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज पेरेंटीज। अगर लिगेंड नेगेटिव है लाइक दैट, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा FeCl6, तो हम उसमें सेंटर मेटल का नाम भी चेंज करेंगे। वैसे तो Fe का सेंटर मेटल का नाम क्या होता है, आपका आयरन होता है, लेकिन अगर वो लिगेंड हमारा, अगर हमारा लिगेंड क्या है, हमारा लिगेंड हमारा केवल नेगेटिव है, तो हम फोकस करेंगे केवल नेगेटिव लिगेंड के सेंटर मेटल के नेम पर, सेंटर मेटल का नाम उसमें चेंज जाएगा। वैसे तो इसका नाम आयरन होता है, तो इस समय इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट कहा जाएगा। ठीक है, नेगेटिव लिगेंड के केस में यानी कि एनायनिक लिगेंड के केस में उसका पीछे क्या आ जाएगा, सेंटर मेटल का नाम भी चेंज हो जाएगा। हम उसको किस नाम से नॉमिनेट करेंगे, 8 नाम से नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, ये रूल था। थर्ड, एट द लास्ट ऑफ द नेम एनायनिक विच द प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुड बी रिटर्न। उसके पश्चात कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर, अगर ये वाला है तो ये वाला, इस वाले को फोकस किया जाएगा कि इनका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3 ये था। रूल नंबर 4 हम क्या फोकस करेंगे, हाउ एवर इफ द कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और न्यूट्रल नेम द मेटल इज गिवन सच एज आयरन फॉर Fe, सिल्वर फॉर Ag, गोल्ड फॉर Au, कॉपर फॉर कॉपर। अगर न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों लिगेंड है तो उनके नॉर्मल नेम लिखे जाएंगे, यानी कि Fe यानी कि आयरन, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, कॉपर कॉपर। ठीक है, लेकिन नेगेटिव लिगेंड है, लेकिन नेगेटिव लिगेंड से मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हमने कहा Fe CN4 CN2। ठीक है, और हमारा है दूसरा एग्जाम्पल K4 FeCN6। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने Fe के लिए लिखा है, लेकिन इसमें ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव लिगेंड है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं हम, नेगेटिव हटा के अब यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड यानी कि H2 को लगा देंगे, सपोज H2 लगा दिया, तो ये नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड है तो उनका नाम नॉर्मल रहेगा। Fe को Fe लिखोगे यानी कि आयरन लिखोगे, या अगर यहाँ पर Ag होता तो उसको सिल्वर लिखोगे, Au होगा तो उसको गोल्ड लिखोगे, और कॉपर होगा तो कॉपर लिखोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात कर लीजिए केवल नेगेटिव लिया, ओनली फॉर नेगेटिव लिगेंड यानी कि एनायनिक लिगेंड की बात आ रही है, अगर एनायनिक लिगेंड है तो Fe नहीं रहेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इट्स नेम इज फेरेट। आयरन को क्या लिखा जाएगा, फेरेट, कॉपर को लिखा जाएगा क्यूप्रेट, सिल्वर को लिखा जाएगा आर्जेंटेट, और गोल्ड को लिखा जाएगा ऑरेंज, स्टेनलेस को लिखा जाएगा स्टेनियम, यानी कि सेंटर मेटल का नाम चेंज हो जाएगा इस समय जब सेंटर मेटल के सराउंडिंग में केवल नेगेटिव लिगेंड होगा, ओनली फॉर ए नेगेटिव लिगेंड केवल होगा, तो हमें उसको क्या रखना पड़ेगा, उनके नाम कहते हैं चेंज करने पड़ जाएंगे, जो मैंने आपको बता दिया उसके पीछे क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। दिस इज द लास्ट रूल जो हमने डिस्कस किया था, द ब्रिजिंग ग्रुप इन द कॉम्प्लेक्स रिटेन द फर्स्ट विद द प्रीफिक्स बाय न्यू। ब्रिजिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है, ब्रिजिंग लिगेंड जो होते हैं जिनमें दो सेंटर मेटल होंगे और वो ब्रिज होंगे किसी भी ब्रिजिंग लिगेंड के द्वारा, ब्रिज होंगे यानी कि उसमें ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम लेके चले तो
जैसे कि ये एफ ई, ये हो गया एफ ई, इसके आगे भी इनके लिगेंड का नाम, इसके आगे भी लिगेंड का नाम, और यहाँ पर कोई भी लिगेंड का नाम, कोई भी लिगेंड है, लाइक दैट H2O प्रेजेंट है. तो दिस लिगेंड इज द ब्रिजिंग लिगेंड एंड इंट्रोड्यूस बाय द म्यू एंड डैश. उसके बाद क्या हाइफन डैश से इंट्रोड्यूस किया जाएगा. दिस म्यू इज यूज्ड एवरी टाइम फॉर द ईच ब्रिजिंग लिगेंड. ये जो म्यू होगा जितने ब्रिजिंग लिगेंड होगा उस समय एवरी टाइम यूज होगा. देयर आफ्टर द अदर लिगेंड विद द नंबर प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा मेटल विद द ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट एंड लास्ट द नेगेटिव स्पीसीज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और इन लिगेंडों के नाम लिखने के पश्चात नॉर्मल लिगेंड का नाम, फिर सेंटर मेटल का नाम, उसके बाद उसको ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर आउटर और इनर स्फीयर है तो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. मतलब उसके बाद के रूल सेम एज इट इज रहेंगे जैसे थे. बस आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल ब्रिजिंग लिगेंड के केस में म्यू के बाद हाइफन इंट्रोड्यूस करके लिगेंड को नॉर्मल केस में लिख दिया था, जैसे नॉर्मल लिखा गया था. ठीक है, तो ये थे आपके कुछ रूल जो मैं आज आपको रिमाइंडर कराया मैंने आज इसमें. उस रूलों के बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इसका ऐसा एग्जांपल लेंगे. तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगी कि किसी भी कंपाउंड को, किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को एपीसी नेम कैसे लिखा जाता है. तो देखिए लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम आयन इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट. सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, और अगर आप भूल रहे हैं तो फिर दोबारा रिमाइंडर करें कैसे आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे. कैसे, देखिए हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है किसका, सेंटर मेटल का. ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है हमेशा किसका होता है, सेंटर मेटल का. तो सेंटर मेटल हो गया आपका CO, ये हो गया CO प्लस 4, क्या है इसका Cl, 4Cl इक्वल टू, ये क्या लिखा था आपका -2 इक्वल टू -2, ये आपने लिखा -2. ठीक है, फिर देन कैलकुलेट कर लीजिए CO प्लस 4, Cl पर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, दिस इज -1 इक्वल टू -2. ठीक है, CO इज इक्वल टू -2, -4 हुआ इक्वल टू जाकर +4 हो गया, दिस इज द 4 एंड फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर 2, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 2 होगा. ऐसे ही अगर इसको बात करना चाहेंगे तो ये हो गया Fe प्लस 6, Cl पर कितना चार्ज होता है -1, डायरेक्ट लिख दे रही हूं, इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये शो करना तो होता नहीं है, केवल आपको लिखना होता है. सो Fe इज इक्वल टू व्हाट, -3 प्लस 6, कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया आपका 3. ये समझ में आ रहा होगा -3 क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट के इधर क्या लिखा, -3 लिखा हुआ है. ठीक है, ऐसे मैंने 3-4 एग्जांपल लिए ताकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ जाए. अब ये ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, देखो जिसे हम क्या कहते हैं आयनिक स्फीयर के नाम से, या आयन से नाम से जाना जाता है ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है. तो किसका निकाला जाएगा, सेंटर मेटल का निकाला जाएगा. सेंटर मेटल हो गया CO प्लस 5 NH3, NH3 पर चार्ज 0 होता है, NH3 कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल स्पीसीज है. प्लस Cl पर कितना चार्ज होता है, -1 प्लस 2 Cl पर कितना चार्ज होता है, -1. अब ऐसा नहीं कि ब्रैकेट के बाहर वाले मटेरियल को नहीं लिखोगे. ठीक है, आईयूपीएसी केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर की होती है, आईयूपीएसी की बात करोगे तो केवल इसकी होगी. लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता तो हम पूरे को, चाहे वो ब्रैकेट के बाहर आगे वाला लिखा हो या ब्रैकेट के पीछे वाला लिखा हो, इक्वल टू क्या होता है, 0 होगा. 0 से लिखा, अभी तक मैंने इससे पहले वाला लिखा था -2, इस वाले लिखा था -3, ये देखा आपने. लेकिन इस वाले 0 को लिखा, इसके बाद लिखा Cl, तो हमने Cl तो यहां इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा है, चार्ज नहीं दे रखा है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. तो ये हो गया CO, इस पर चार्ज होगा 0, ये हो गया आपका -1 -2, -1 -2 कितना हो गया, -3 हो गया, दिस इज -3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0. सो CO इज इक्वल टू +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया. किसका, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3. कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया आपका, 3. ऐसी इसकी बात करेंगे, चौथा एग्जाम्पल जो लिया है हमने, Fe प्लस 3 C2O4 एंड का ऑक्सीडेट होता है, -2 इज इक्वल टू -3. अब आप सोचोगे मैं -2 कैसे लिख रही हूँ, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा रखा है कि सारे लिगेंड्स की वैलेंसी कैसे रखी जाती है, ये वैलेंसी होती है, इन वैलेंसी को कैसे निकालते हैं, और सारे लिगेंड्स मैंने आपको पहले चौथे पांचवें छठे वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं कि C2O4 को क्या बोलते हैं, उनकी वैलेंसी कितनी होती है और कैसे रखी जाती है. तो इसकी वैलेंसी मैंने आपको बता रखी है, इसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेट, इनको क्या बोला जाता है ऑक्सीडेट आए, तो ऑक्सीडेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2. तो Fe प्लस ये हो गया आपका -6 इज इक्वल टू -3. सो व्हाट है, Fe इज इक्वल टू -3 प्लस 6 और आपका आ गया आपका 3, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया आपका, 3. तो इस तरह से हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी के आधार पर किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. बिना ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करे आपको आईपीसी नेम नहीं आ पाएगी, इसलिए मैंने पहले स्टेप को फॉलो करा, पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया.
हम एक्सप्लेन करेंगे। मैंने दूसरा क्वेश्चन जो लिया है आप लोगों के लिए, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आईयूपीएसी नेम लिखना सिखा रहा है आज आपको। तो फर्स्ट है MnCN6-4-, MnCN6-4- पहले वाला, ये वाला कॉम्प्लेक्स है जिसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। रूल अपने दिमाग को सेट करिए, रूल में ध्यान दीजिए। रूल ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द कोऑर्डिनेट, राइट द नेम ऑफ द लिगेंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का में किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट। किसके आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर। तो हमारे पास यहाँ पर केवल एक ही लिगेंड है जो कि हमारा CN है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड का नाम लिखेंगे CN। CN का नाम क्या होता है, साइनो, और ये कितना है, 6 है। तो क्या हो गया, हेक्सा साइनो। इसका नाम क्या हो गया, हेक्सा साइनो। अभी आपको मैंने बताया था कि ओनली फॉर अ नेगेटिव लिगेंड, ये आपका साइनो, साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड है, CN पर माइनस पर चार्ज होता है। तो नेगेटिव लिगेंड, ओनली फॉर अ नेगेटिव लिगेंड, सेंटर मेटल का नाम चेंज हो जाता है, क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो वैसे तो इसको मैग्नीज लिखना चाहिए था, लेकिन ये केवल नेगेटिव लिगेंड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नेट, हेक्सासाइनो मैग्नेट। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, Mn प्लस 6 माइनस 1 ऊपर से कितना चार्ज देखा, माइनस 4 चार्ज देखा, तो चाहे माइनस 4 और माइनस 2 चार्ज दे रखा है ना, चार्ज दे रखा है, तो इसके आगे से क्या लग जाएगा, आयन। वरना अगर चार्ज नहीं दिया होता तो आयन नहीं लगता, नॉर्मल एम रहता, क्योंकि इसमें चार्ज दे रखा, तो इसका नाम क्या होगा, आयन। तो नाम क्या हुआ, देखिए, हेक्सासाइनो मैग्नेट सेकंड आयन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ, हेक्सासाइनो मैग्नेट सेकंड आयन। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2, सेकंड एग्जांपल, CuNH3O6Cl। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग को शांत रख के देखिए कि पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड क्या है इसमें, ये तो सेंटर मेटल हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट का जो पहला एलिमेंट होता है सेंटर मेटल हो गया। लिगेंड क्या है, अमोनिया है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम देखिए क्या, फर्स्ट BL का नाम देखिए, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, क्योंकि यह नेगेटिव लिगेंड नहीं है, केवल न्यूट्रल लिगेंड है, तो नॉर्मल नेम रहेगा कोबाल्ट। अगर ये नेगेटिव लिगेंड होता तो इसका नाम हो जाता कोबाल्टेट, 8 लग जाता है, बताया था मैंने आपको, कोबाल्ट। ठीक हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, ये है क्लोरीन, कितने हैं, 3, तो ट्राइक्लोराइड लिखा जाएगा, ओनली क्लोराइड। इनका नाम क्या होता है, बाहर से ट्राइक्लोराइड नहीं लिखा जाता, सिंपल नाम लिखा जाता है क्लोरा। ठीक है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना मैं यहीं पर दिखा रही हूँ। देखिए, ये हो गया CO, NH3 पर चार्ज हो गया 0, तो कितना हो गया, 6 × 0, ये कितना हुआ, 6 अमोनिया के हैं, 6 हो गया इंटू 0 प्लस 3 Cl पर कितना चार्ज हुआ, माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक हो गया, CO ये माइनस 3 हो गया, इक्वल टू जाकर कितना हो गया, प्लस 3, तो इस पर कितना चार्ज आया आपका, 3। ये कैलकुलेट करना वैसे भी रखना होता है, हमें दिखाना तो होता नहीं है, तो कितना आएगा, 3 क्लोराइड। तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक, ऐसे तीसरे वाले एग्जांपल लेते हैं। अभी इसमें देखो बाहर था, इसमें क्या हुआ, फ्रंट में आगे से इसको इसको रुक जाएगा, पहले नाम वैसे ही होगा, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितने हैं, 3। C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट, क्योंकि ये बाइलेटेड लिगेंड है, तो आपको याद रखना है कि जितने भी बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड है उनमें बाई ट्राई नहीं आता है, उनमें बिस ट्रिस आता है, तो कितने हैं, 3 है, तो इनको क्या लिखेंगे, ट्रिस। इसका क्या लिखोगे, ट्रिस ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ठीक है, अब ये नेगेटिव लिगेंड है, तो इस नेगेटिव लिगेंड के आगे क्या आता है, नेगेटिव सेंटर मेटल का नाम चेंज हो जाता है, तो क्रोमेट। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 3, के पर कितना चार्ज हो गया, +1 प्लस Cr, ऑक्सीलेटो पर कितना चार्ज होता है, अभी मैंने बताया था -2 इजिकल टू कितना हो गया, 0। ठीक, कितना हो गया आपका, ये हो गया -6, 3 × 6 होगा -6 और +3, -6 और +3 कितना हुआ, -3 हुआ, और इक्वल के इधर जाके कितना हो गया, +3, तो कितना है आपका, +3, ये आपका नया आ गया। अब बच गया है K3 का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम, कितने हैं, 3, ट्राई पोटेशियम ही सिंपल पोटेशियम, तो इसका नाम क्या हो गया आपका, पोटेशियम
ट्राई ऑक्सीडेट ऑफ क्रोमेट 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेट ऑफ क्रोमेट 3। ठीक, ये थे आपके आईपीसी नेम। किसी भी कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखने का तरीका कि आप कैसे नाम लिखेंगे। ऐसे अगर आप लेना चाहे तो एग्जाम्पल नंबर 4 से डी एग्जाम्पल, तो पहले किसका नाम लिखोगे, इसका NH2CH2CH2NH2। इसको आपको याद होगा, इसको हम कहते हैं इथाइलिन डाइल। तो कितने हैं, ये 3 है, क्योंकि ये भी ब्रिजिंग लिगेंड है, तो इसका नाम क्या होगा, ट्रेस ट्रेस इथाइलिन डाइल, ट्रेस इथाइलिन डाइल हो गया। आप कोई लिगेंड है इसमें नहीं है, ट्रेस इथाइलिन डाइल। ये क्या हो गया आपका, कोबाल्ट। स्पेस छोड़ दिया मैंने, ठीक है, सेंटर बटन का नाम लिखने के। और SO4 का इसके इसके कितने ले रखे हैं, इसके 3 ले रखे हैं, ट्रेस इथाइल। अच्छा, इस वाले का नाम आप एक काम करेंगे, ट्रेस इथाइलिन डाइल, इसके 3 ले रखे हैं, ठीक है, तो ट्रेस इथाइलिन डाइल कोबाल्ट हो गया। अभी बताया सल्फेट, ठीक है, कितने हैं, 3 है, तो पहले आप इसको इसको लिख लीजिए पहले सल्फेट, ठीक है, SULPHA। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख दे रही हूँ। लेकिन इसका भी होल टू देर का है, होल टू देर का, तो यानी कि पहले आप कर लीजिए इक्वल टू 0, तो ये हो गया CO इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 वैलेंसी तो हो ही सकती है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 तक तो चलती है, 6 नहीं हो सकती, तो आप इसका होल टू देता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के लिए 6 हो गई, तो एक के लिए कितने देगी, होल टू इक्वल टू कितना होगा, 3, तो कितने आ गए आपके, 3 आपका क्या होगा, सल्फेट। ठीक, तो ये आपका एपीसी नेम लिखने का तरीका था, कि किसी भी पहले लिगेंड का, पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम, फिर उसके सेंटर मेटल का नाम, उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर ब्रैकेट के बाहर आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर, फ्रंट आउटर स्फीयर और बैक आउटर स्फीयर में क्या क्या है वो देखेंगे, उनको इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रही हूँ, ये वाला, फिर आप खुद करिएगा। ये हो गया आपका पहले लिगेंड का नाम, तो हमारे तो प्लेटिनम तो सेंटर मेटल होगा, लिगेंड ये होगा। अब यहाँ पर मैं इस वाले को इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आपको याद होगा कि ABCD अल्फाबेट का जब यूज किया जाता है तो ये अमोनिया होता है, ये क्लोरीन होता है, अमोनिया ए से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया अमोनिया, 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 ये क्या है, 5 है, तो हो गया पेंटा क्लोराइड, अमोनियम पेंटा क्लोराइड। ठीक है, फिर सेंटर मेटल का नाम, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, न्यूट्रल है, तो हम नॉर्मल नाम लिखेंगे, इसका नाम प्लैटिनम, इसका नाम क्या होता है, प्लैटिनियम। वैसे तो क्या लिखते हैं, प्लैटिनेट, अगर नेगेटिव लिगेंड होता, अभी नेगेटिव लिगेंड है तो क्या होगा, प्लैटिनियम हो गया ना। अभी इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए, अभी रह गया है कुछ, क्या रह गया, के रह गया, के ब्रैकेट के बाहर है, फ्रंट में है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, पोटेशियम, इसको क्या लिख देंगे, पोटेशियम। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, के का कितना हुआ, +1, प्लैटिनम हमें कैलकुलेट करना है, क्लोरीन हो गया -1, प्लस अमोनिया हो गया 0, इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, ये हो गया -5 और +1, -5 और +1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो PT इक्वल टू कितना हो गया, 4, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 4, PT इक्वल टू कितना आया, 4, आपने क्या आ गया, 4। तो इस तरह से हम जब न्यूट्रल और नेगेटिव होंगे तो सेंटर मेटल का नाम चेंज नहीं करते, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, नॉर्मल नेम, प्लैटिनम के नाम से इंट्रोड्यूस कर देंगे।